इसके बाद ये बंद करके ना बोट टाई लगा था इनके आ जाता हूं मैं एक तो फिर खुशामदीद कहते हैं हमारे पास जो आज गेस्ट हैं वो खुद बोल रहे हैं उन्होंने कहा कि आप जो मर्जी बोले हमें मुझे कोई तो उनसे ताल्लुक नहीं और हम अपने शो पे भी यही करते हैं वही ना तुम कौन हो हां जी इधर आए अच्छा आप लोग से क्योंकि ये शो है सहेली का और हम कनेक्ट करते हैं अपनी सहेलियों से और जो उनके घर वाले हैं वो बड़े परेशान हैं मर्द हजरात बड़े परेशान हैं फोन करके कहते हैं कि आप हमसे तो बात नहीं करती और आप सिर्फ क्या सहेली, सिर्फ सहेली मुझे हाँ। अच्छा ये बताएं आइडिया कहाँ से आया कि होस्ट भी कर सकते हो वैसे मुझे आइडिया की बात नहीं है एक्चुअली मैं 2.5 साल पहले एक PTV पे एक प्रोग्राम होस्ट कर चुका हूँ अच्छा तो वो मेरा टैलेंट देखते हुए हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब ने कहा आप आ जाएं और मैं कराची था किसी मेरे शो चल रहे थे तो मुझे एक फोन किया पहले मेरे ख्याल से इनिशियली दे वर थिंकिंग ऑफ समबडी एल्स तो उनकी कुछ डेट्स का कोई मसला था एक हमारे बड़े अच्छे यंग आर्टिस्ट हैं लेकिन फिर बाद में उनके साथ कुछ डेट्स और टाइम का क्लैश हो रहा था तो फिर इन्होंने मुझे कॉल किया मैं भी बिजी था मैं कराची था लेकिन आई वॉन्टेड डू दिस क्योंकि as you know we have so much of association A+ ke upar jis tarah aap kehti hain har dusre din main aa jata hu to koi mohabbat ka silsila chal raha hai to phir maine bhi kiya aur maza aaya aur pehle din se hi hamari chemistry sabki bahut achhi ban gayi is wajah se I think jab hum us chote se makeup room mein mile the pehle waqt yaad hai exactly jisme 20 bande the aur khade hone ki sirf kisi ki aur jagah thi nahi acha aap log first time is show ke through mile I thought aap log ka pehle koi connection koi We met up on the set. But you know, Aruj, I can talk for myself when I say कि जब मैं इन दोनों से मिली तो मैं इस intention से मिली कि ये मेरे दोस्त हैं मैं इस intention से नहीं मिली कि ये शीरीन है कोई और ये वो जुनेद है मैं मिली ही इनको इस नियत से कि ये मेरे दोस्त हैं बस That's great. हाँ, तो वही बात है इतनी अच्छी It's your mind. You play with your mind, honey. It's all between your ears, they say. बस वही सीन है सारा हाँ बिल्कुल सही अच्छा शीरीन आपने और भी मतलब काम किया है जाहिर है गोल्डन गर्ल्स का एक्सपीरियंस आपका बहुत इंटरेस्टिंग था बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी एंड आई वर्कड विद द गोल्डन गर्ल्स और बहुत मजेदार बहुत मजा आया वो शो करने का इसलिए कि रंग रंग के लोग आए और तरह तरह के उनके ख्यालात थे और आई थिंक उन्होंने बहुत ज़्यादा कलर लैंड किया पूरे शो को and you know when you meeting different people you learn so much from all these people आप different ideas आपको आते हैं और बहुत मुझे actually I must say के मुसर्रत शाहीन आई थी हमारे शो पे she was extremely glamorous beautiful woman और उसके बारे में मैं ये कहूँगी she was one of my best guests because she did not try to change anything about herself oh halat what how she struggled jaise bhi unhone kiya jaise bhi aaya magar itni khoobsurat thi dikhne mein ki I just can't I can imagine and see she's a beautiful person that's the, yes that's bahut bahut khoobsurat thank you so much bahut bahut shukriya ji aapka thank you for having us and it was small but it was very very nice thank you aap sab logon ka bahut shukriya jaane se pehle ye ek ek plant hum zarur denge inko ji ye ek plant ka silsila hai hum chahte hain hamara mulk hara bhara ho jaye aur ye ek kamre mein dal dunga है ना तो ये हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट अच्छा और आप दोनों को हम सरूबा स्पा की तरफ से वाउचर भी देंगे आई होप यू हैड अ लॉट ऑफ फन आई डिड एंड आई एम श्योर आई एम गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन ऑन संडे बिकॉज हम देखेंगे संडे है फन डे अपना बहुत ख्याल रखिएगा हैव अ एक्सलेंट वीकेंड और अपनों का भी बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक आज खाने देश देश के में आज बारी है मीठे की और मीठे में हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन गुलाब जामुन आप ही लोगों की फरमाइश है गुलाब जामुन हमने बनाने हैं लिहाजा रेसिपी नोट कर लीजिए हमें चीनी दरकार होगी एक किलो चीनी हमने शीरा बनाना है उसके लिए एक किलो चीनी में हमने आधा लीटर पानी डालना है ये एक किलो चीनी हमने इसमें डाल दी है और आधा लीटर पानी इसमें हमने
डालना है, शीरा बनाना है इसका ना। ये तकरीबन आधा लीटर पानी हमने इसमें डाल दिया, शीरा बन जाएगा। अच्छा, खोया हमने लेना है लिस्सा एक किलो। एक खोया लिस्सा होता है, एक दानेदार होता है। ये लिस्सा खोया है जो कि गुलाब जामुन के लिए होता है। सोडा हम एक चुटकी बराबर सोडा इसमें डालेंगे या बेकिंग पाउडर कोई भी चीज़। सूजी 3 खाने के चम्मच डालेंगे इसमें और 4 खाने के चम्मच मैदा डालेंगे और इलायची जो है एक चुटकी के बराबर हम इलायची पाउडर डालेंगे और अंडा जो है आधा जो है अंडा डालेंगे। शुरू करते हैं, टाइम हमारे पास थोड़ा है, देखते हैं हम बना सकते हैं कि नहीं। बना लेंगे, अंडा मैंने तोड़ लिया, इसको फेंट लूँगा, इसको हम अच्छी तरीके से फेंट लेंगे और आधा अंडा हमने इसमें चूंकि डालना है थोड़ा सा जस। ये हम यहाँ रखेंगे। अच्छा, इसको हम डालते हैं किसी बड़े बोल में। ठीक है जी, मैदा हमने डाला इस बड़े बोल में, इसमें हम डालेंगे 3 खाने के चम्मच सूजी, 3 खाने के चम्मच सूजी हमने इसमें डाली है और मैदा तकरीबन 4 खाने के चम्मच मैदा। ठीक है जी, और एक चुटकी बराबर जो है इसमें हम इलायची पाउडर डाल देंगे और बेकिंग पाउडर या सोडा वही एक चुटकी के बराबर हम डालेंगे इसमें। ठीक है जी, ये हो गया। अब हम इसे मिक्स करेंगे, पहले हम इसे मिक्स करेंगे फिर अंडा लगा के हम इसे और मिक्स करेंगे। ऑयल यहाँ हमारा गर्म हो रहा है, लिहाजा हम थोड़ा सा आहिस्ता कर लें। अंडा आधा अदद जो है हमने अंडा इसमें डालना है। ठीक है जी, इसको हम गिराते हैं नीचे। अब यहाँ पर हम इसे गूंद रहे हैं, जब तक हम एक छोटी सी शॉर्ट ब्रेक लेकर आते हैं, कहीं ना जाइएगा, फिर हम आगे आपको दिखाएंगे। इसको हम गूंद लेंगे जस्ट बिल्कुल ऐसे ही जैसे आटा गूंदते हैं, मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ यकजा हो जाए। ब्रेक के बाद मिलते हैं हम। जी क्या है, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग इसको इसके साथ ज़रा इसको मिक्स कर रहे हैं अच्छी तरीके से। आपने बिल्कुल मिक्स कर लेना, इसके अंदर कोई डल्ला बाकी ना रहे और जो मैदा अंडा सूजी जो हमने लगाया वो इसके साथ मिक्स हो जाए। अगर खोया ज़रा पतला है तो आपने क्या करना है, ये पतले से मुराद ये कि आपने फ्रिज में से आपके पास खोया रखा हुआ है तो उसको काफ़ी देर पहले आपने फ्रिज में से निकाल के रूम टेम्परेचर में रखना है ताकि वो जो मॉइस्चर सा उसके अंदर आया हुआ है वो ख़त्म हो जाए। जी हाँ, ये हो गया। मेहनत वाला काम है, इसको हम दोबारा से इसमें डालते हैं। एक ओह क्या आ गया, ग्लव्स। ये एक जगह हमारी
साफ कर लें इसको। हम इसे क्या करेंगे, अब एक पीस हम बना के ज़रा पहले ट्राई कर लेंगे कि जी ये कैसा है। हाँ जी कि जी इसमें क्या प्रॉब्लम तो नहीं है कोई, आया इसमें थोड़ा मैदे और सूजी की और ज़रूरत तो नहीं है। ये लीजिए जी, ये हो गया। चीनी हमारी पक रही है, इसमें हमने ऐसे किया, चूल्हा ही बुझा हुआ है। लीजिए जब तक हम चूल्हा जलाते हैं रेसिपी कार्ड मेरे ख्याल में दिखा दीजिए आप। मैं अपने ये रेसिपी कार्ड अपना, चलें जी हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम दिखाते हैं आपको। मैं जब तक इस ऑयल को गर्म कर लूँ जल्दी से, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाते हैं क्या करना है।